आधा दिन खबरों की शुरुआत करेंगे, तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। क्या है खबर वो आपको बताएंगे और अब आपको दिखाते हैं फटाफट रफ्तार से टॉप 20 खबरें। अडानी मुद्दे पर बैंकों पर जोखिम की आशंका पर आरबीआई एसबीआई का बयान, कहा भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर है, अडानी समूह पर 27,000 करोड़ का कर्ज। पंजाब में गैंगस्टर्स के मददगारों पर बड़ा एक्शन, लॉरेंस गोल्डी के करीबियों पर छापेमारी, पंजाब में 1,490 जगहों पर पुलिस की रेड। कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूलकिट बेनकाब, जी न्यूज को पाकिस्तान का सीक्रेट पेपर हाथ लगा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा पेपर। आज आएगा देश की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका का बजट, मुंबई करों को उम्मीद इस बार नहीं लगेगा उन पर कोई नया टैक्स। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती, कहा सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन पर किसी के बहकावे में न आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का राम मंदिर पर बड़ा बयान, कहा जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था, आज बीजेपी ने उसे हटाकर मंदिर बनाया। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का बड़ा एक्शन, अब तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 51 पुरोहित काजी भी पकड़े गए हैं, 8,000 आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है। यूपी में मानस विवाद के बाद अब जातिवाद पर संग्राम, अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर मायावती ने याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड, बीजेपी बोली नहीं कामयाब होगी अखिलेश की साजिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड के बाद जोशीमठ जैसे बने हालात, दरार की वजह से अब तक 21 घरों को करवाया गया खाली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान का अलर्ट, 3,000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच की चेतावनी, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन की टीम। मुरादाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया, नाले पर कुर्सी डालकर चाय पीते हुए शख्स ने नगर निगम से की साफ सफाई की मांग। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग यार्ड में लगी आग, नगर निगम के वाटर टैंक्स और फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। कर्नाटक के बंगलुरु के पास गैराज में लगी आग, 6 से ज्यादा गाड़ियां जलकर तबाह हुई हैं, आग लगने के का कारण स्पष्ट नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन से 15 लाख की ड्रग्स बरामद, ड्रग तस्कर हुआ फरार। जोगिंदर शर्मा ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, T20 वर्ल्ड कप 2007 में फेंका था फाइनल ओवर, धोनी के साथ किया था डेब्यू। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्थगित किया चीन दौरा, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल बोले ब्लिंकन ने अपना गुस्सा दिखाते हुए दौरा स्थगित किया है। पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पेशावर में निकाला गया अमन मार्च, पीटीआई के समर्थकों ने लहराए सफेद झंडे। चिली में जंगल की आग से मची तबाही, करीब 8,000 हेक्टेयर जंगल साफ हुए, आसपास के इलाकों में गर्मी से परेशान लोग। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर ऋषि सुनक बोले मुझे लगा ब्रिटेन का पीएम बनना मेरा धर्म। बाखमुत में यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेन नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो, हमले में रूस के कब्जे वाले बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है श्री गंगानगर से, जहां श्री गंगानगर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तानी ड्रोन के नजर आने के बाद सुरक्षा बलों ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है, राजस्थान के गंगानगर में बीएसएफ ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की है। बॉर्डर इलाके में ड्रोन की हलचल के बाद इलाके में अब बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां फायरिंग के बाद वापस लौटा पाक का ड्रोन, ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। श्रीगंगानगर के पास ये संदिग्ध ड्रोन दिखा, बीएसएफ जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और ये बॉर्डर के इलाके में ड्रोन देखा गया, हालांकि फायरिंग करने के बाद ये ड्रोन वापस भी लौटा, बीएसएफ ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की है। पाकिस्तान की ओर से सरहद पर अब नए तरीके से साजिश की जा रही है, ड्रोन से एक ओर जो जासूसी की जाती है, दूसरी ओर हथियार और नशीले पदार्थ की तस्करी भी ड्रोन के जरिए की जाती है और श्रीगंगानगर में ड्रोन देखा गया है। संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं, कुलदीप क्या जानकारी मिल रही है, ड्रोन को वापस भगा दिया गया है? देखिए पिछले एक महीने की बात करें तो इस महीने में और उससे पिछले वाले महीने में कई बार जो ड्रोन की मूवमेंट है वो भारतीय सीमा में देखी गई, ऐसा बीती रात फिर भी हुआ
पाकिस्तान की तरफ से एक जो ड्रोन आया उसकी मूवमेंट जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने देखी उसके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद ये ड्रोन है जो वापस जो पाकिस्तान की तरफ चला गया। अंदेशा यही जताया जा रहा है क्योंकि पहले भी ड्रोन के माध्यम से ही हीरोइन की जो तस्करी है उसकी कोशिश की जाती है, भारतीय सीमा के अंदर जो हीरोइन की खेप है वो फेंकी जाती है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हीरोइन की तस्करी की कोशिश की जा रही थी और उसी के चलते ये ड्रोन यहाँ आया था, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की ये जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाई। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राम मंदिर पर असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। त्रिपुरा के बनमालीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हिमंता ने कहा है कि भगवान राम का जन्म हुआ था, बाबर ने वहां कब्जा कर लिया उस स्थान पर, आज बीजेपी उसको हटा करके मंदिर बनवा रही है वहां। ये बड़ा बयान दिया गया है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जहां भगवान राम जन्मे वहां पर बाबर ने कब्जा कर दिया और अब बीजेपी ने वहां मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम तप किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था, आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। जी मीडिया संवाददाता सुमित सेन गुप्ता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, हिमंता बिस्व शर्मा लगातार कभी किस तरीके से हिंदुत्व का परचम बुलंद करते रहते हैं और राम को लेकर के भी कई बार ये अपने बयान के चलते विवादों में रहे, लेकिन इस बार जो बयान दिया है इस पर विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन और असम की जनता इस बयान के समर्थन में है या नहीं? देखिए, हिमंता बिस्व शर्मा इससे पहले जब गुजरात चुनाव प्रचार में थे उस समय भी ऐसी बात कही थी क्योंकि कांग्रेस के समय राम को सम्मान नहीं मिला, ऐसी बात उन्होंने कहा। और बाबर के जाने करीब 500 साल पहले जो मुगल साम्राज्य यहाँ पर था भारत में, बाबर की साम्राज्य था और कांग्रेस के रिजीम में राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद के नाम से जोड़ा जा रहा था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी आके इसको राम जन्मभूमि को सम्मान दिया, राम को सम्मान दिया। ये बात पिछले नवंबर में भी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, लेकिन जो ऑपोजिशन है उनका कहना है कि यहाँ पे जो राम मंदिर बन रहा है ये कोर्ट के निर्देश से बन रहा है, इसमें बीजेपी जो फायदा लूटने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं होगा। और ऐसी बात राम मंदिर को इशू बनाया हिमंता बिस्व शर्मा ने त्रिपुरा के इलेक्शन में। हम जानते हैं कि अगले 16 फरवरी को त्रिपुरा में इलेक्शन है। बिल्कुल, तो चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठाया गया है और त्रिपुरा में जहां इस बार एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करने की कोशिश करेगी। सुमित, आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर, बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की मुहिम तेज हो गई है। पुलिस ने अब तक 2170 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक उसने 8000 अभियुक्तों की लिस्ट भी तैयार कर ली है और ये अभी अभियान अगले 3 से 4 दिनों तक जारी भी रहेगा। आपको बता दें कि लगातार यहां पुलिस लोगों की गिरफ्तारी कर रही है जो भी इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और अब तक 2000 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और 8000 आरोपियों की लिस्ट भी पुलिस ने तैयार की है और ये जो अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है आने वाले 3-4 दिनों तक ये अभियान यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल, बाल विवाह के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है और इस मामले में असम सरकार की ओर से धरपकड़ की जा रही है। अब तक 2170 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 8000 आरोपियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसमें 51 पुरोहित और काजी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस 3-4 दिन तक और ये अभियान चलाती रहेगी, यानी कि इसी तरीके से राज्य में धरपकड़ गिरफ्तारियां उन लोगों की होती रहेगी जो भी इस कानून का उल्लंघन करते हैं। हमारे सहयोगी सौमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित से और अपडेट लेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की हिरासत में खड़े इन लोगों पर बाल विवाह कराने का आरोप है। असम की पुलिस ने पूरे राज्य में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास ऐसे 8000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं जो कि इस जुर्म में शामिल हैं। अगले 4 दिन तक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 10 साल पहले बाल विवाह किया था, अब इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं भी छोटा हूं, वो भी छोटा है, उसका अंजाम अगर मैं कुछ कर दिया तो उसका अंजाम क्या होगा ये मुझे भी मालूम है। फिलहाल मेरे हाथ में तो कुछ जॉब भी नहीं है,
कल क्या होगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। असम के डीजीपी ने पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां बिश्वनाथ जिले से की गई हैं। डुबरी से 126, बक्सा से 120, बरपेटा से 114 और कोकराझारा से 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 51 पुरोहितों और कागजियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाल विवाह करवाया था। सुमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अगर बात की जाए असम सरकार की, तो असम सरकार की ओर से निश्चित तौर पर यह पहल सराहनीय है कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले पर भी राजनीति होना तय है। जी, राजनीति शुरू हो चुका है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और AIUDF की तरफ से, जो असम में विरोधी खेमे से आता है, इनका कहना है कि अब जो सरकार जो कदम उठा रही है बाल विवाह के खिलाफ कानून के तहत, वो तो सही है, लेकिन इसके लिए जो एक समस्या भी पैदा हो सकती है, सामाजिक समस्या, क्योंकि जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनका परिवार कैसे चलेगा। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है अरुणोदय जो सरकारी स्कीम है जिससे हर एक फैमिली को, हर एक व्यक्ति को 5 किलो चावल मिलेगा, 1000 रुपये करके महीने में मिलेगा, तो विरोधी पार्टियों का कहना है कि इससे कैसे एक फैमिली चलेगा। अगर हस्बैंड जेल में रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी दवाई, ये सारी समस्या पैदा होगी। सरकार कोई एक्शन प्लान पहले से ही, बैकअप प्लान ना, इस मामले को लेकर के इसमें एक रिलीजन वाला पहलू भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें AIUDF और कांग्रेस इसमें ये भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि इसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और हिमंत बिस्व शर्मा कहीं ना कहीं इस मामले में निशाने पर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है ये आपको बताते हैं। रामचरितमानस को लेकर के जारी हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। अखिलेश का दावा है कि अभी भेदभाव जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दोनों पक्ष सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कि अखिलेश में सिर्फ बेचैनी है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। मायावती ने उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दी। रामचरितमानस के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब यूपी की राजनीति में जाति की राजनीति का रूप ले चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने हैं और सुविधा के हिसाब से नेता अपनी अपनी बात भी सामने रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जाति को मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है इन्होंने। अपने को हिंदू मानता हूं और गर्व से कहता हूं मैं। चौपाई के अंश उनको प्रबंधित कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा राग छेड़ दिया है जिसकी अनदेखी करना फिलहाल यूपी की राजनीति में किसी के लिए मुमकिन नहीं। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनिए जिसके समर्थन और विरोध करने वाले अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपत्तिजनक तथ्यों को तुलसीदास जी की रामायण से जो ऐसे अवसर आए हैं, ऐसे चौपाई के अंश उनको प्रबंधित कर दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान के विरोध में 5 दिन पहले अखिलेश यादव को लखनऊ में काले झंडे दिखाए गए, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे हथियार बना लिया और वो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी नहीं खत्म हुई है, वो भेदभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जो बहुजन समाज पार्टी की नेता है उन्हें भेदभाव और किस तरीके से खासकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हो रहा है, हर संस्थाओं में किस तरीके से इन्हें बाहर किया जाए, वो काम ही सरकार कर रही है। शायद ये चीज उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यूपी की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी भी मौजूद है जो शोषित और वंचितों की वकालत करती है, लिहाजा मायावती का सवाल उठाना लाजमी था। लेकिन ये सवाल बीजेपी से कम और समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। मायावती ने ट्वीट किया, सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था,
एक तरफ अखिलेश यादव और बीजेपी की आर पार की लड़ाई है तो दूसरी तरफ है मायावती, यानी कोशिश यूपी की सियासी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की है। हालांकि बीजेपी के हाथ आज भी हिंदुत्व का बुलंद झंडा है जो विरोधियों पर लगातार भारी पड़ रहा है। मैं को हिंदू मानता हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। देखिए ये जो श्री अखिलेश यादव जी के ये बयान हैं, ये बयान नहीं है, बेचैनी। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनके गुंडे, उनके अपराधी और उनके समर्थक तथा कथित जो भी गलत रास्ते पे चलते हैं वो सब तड़प रहे हैं। और अब आखिर में आप छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी सुन लीजिए। कोशिश बीजेपी को रोकने की है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि असली लड़ाई बीजेपी से ही है। जो जितने विवाद पैदा किए जा रहे हैं केवल वोट के लिए किए जा रहे हैं, चाहे कोई करे। 2023-2024 नजदीक आ रहा है, चाहे इधर के करें तब चाहे उधर के करें, सबको अपनी वोट की चिंता है। खैर, रामचरितमानस की एक चौपाई से शुरू हुआ मुद्दा अब जातिगत भेदभाव तक पहुंच गया है। यहाँ पर कोई अपनी पहचान पक्की कर लेना चाहता है क्योंकि सबको पता है 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है, लेकिन इसे लड़ा किस मुद्दे पर जाए बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखर, जीत का झंडा अगर बुलंद करना है तो फिर राम का नाम लेना है और 2024 अब पास में, उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हैं। जाति का जो राग है वो भी अलापना इन राजनेताओं ने शुरू कर दिया। भूपेश बघेल भी कहते हैं कि ये तो वोट बैंक की राजनीति है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यूपी में ये पूरा विवाद शुरू हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, उन्होंने इस पर भी निशाना साधा है। वोट की राजनीति हो रही है। 2023 और 24 का जो चुनाव है वो नज़दीक है। 2023 में छत्तीसगढ़ का चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोट को लेकर राजनीति की जा रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात की जाए या केंद्र की बात की जाए, वो तमाम जो लोग हैं वो वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। जो ग्रंथों में जो दोहे हैं उस पर जो ग्रहण करने वाली चीज़ है उसे ग्रहण करना चाहिए, इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और जिस तरह से ये पूरा सियासी जो जो मायने अगर निकाले जाए रामायण को लेकर, जो रामचरितमानस को की चौपाइयों को लेकर जो विवाद हो रहा है यूपी से, अब ये चिंगारी जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच गई है। यूपी के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा उसकी चिंगारी वहां भी पहुंचनी लाजमी है। बहुत शुक्रिया शिखर पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। यहाँ 21 घरों में दरारें आ गई। दरारों की वजह से लोग दहशत में हैं। पिछले महीने डोडा के एक घर में दरार आई हुई थी, लेकिन गुरुवार को हुए लैंडस्लाइड की वजह से यहां के हालात और खराब हो गए हैं। कई घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। फिलहाल 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवा लिया गया है। जोशीमठ जहां पर बड़े पैमाने पर घरों में दरारें आई और वहां पर लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा ही कुछ जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। दरकते घरों की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं। किश्तवाड़ा बटोटे नेशनल हाईवे के पास थातरी इलाके में नई बस्ती गांव में रहने वाले लोग इन दिनों दहशत में हैं। पिछले महीने यहां एक घर में दरार आ गई थी, लेकिन गुरुवार को हुए लैंडस्लाइड की वजह से यहां के हालात बेहद खराब हो गए। कई घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवाया है। साथ ही इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लैंडस्लाइड की वजह से इलाका नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे में इसको बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। घरों में आई दरार पर एक रिपोर्ट ASI को भेजी गई है। प्रशासन को भी इस बात का डर है कि दूसरे घरों में भी दरारें आ सकती हैं। प्रशासन ने यहाँ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी घरों की व्यवस्था की है। जिन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है उनमें पुलिसकर्मी, सैनिक, मजदूर भी शामिल हैं। हमारे सहयोगी फारूक वानिया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अगर बात की जाए डोडा में जो घरों के अंदर दरारें आई हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए फिलहाल 21 फैमिलीज को जो है मेक शिफ्ट जो हाउसेस हैं उनमें रखा गया है सरकार के द्वारा, और उनको हर तरह की सहायता वहां पे दी जा रही है। और आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अभी डोडा थाथरी पहुंच रही है, जहां पे जायजा लिया जा रहा है सारी सिचुएशन का, क्योंकि पहले ही 4 हाउसेस ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए थे। और उसके बाद जो जियोलॉजी माइनिंग टीम जम्मू कश्मीर की है वो भी लगातार इसका जायजा ले रही है, और जैसे बताया जा रहा है कि बर्फबारी और बारिशों के कारण भी ऐसा हो सकता है, उसका पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अब पहुंच गई है और पूरे जायजा लिया जा रहा है किस तरह की जो पहले एक घर में दरार आई थी और अब कई ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है, खाली करवाया गया जहां दरारें हैं। वक्त रहते अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात होगी, कैसे राहत पहुंचाई जाती है। शुक्रिया अपडेट के लिए। इधर उत्तरकाशी में ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का खतरा मंडरा रहा है। राहत और बचाव के लिए टीमें इस अलर्ट के बाद पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक बार फिर से एवलांच की घटना सामने आई है। बांदीपुरा के गुरेज गांव में एवलांच की वजह से काफी नुकसान हुआ है, और यहां किशन गंगा नदी का जो रास्ता है ये भी ब्लॉक हो चुका है। वहीं गांव की जो वाटर सप्लाई है वो इससे खासा प्रभावित हुई है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर स्थिति को बहाल करने की कोशिश भी कर रहा है। देश के ऊपरी इलाकों में मुसीबत का पहाड़ और बढ़ता ही जा रहा है। पहले बर्फबारी और अब एवलांच, आए दिन कोई ना कोई मुश्किल पहाड़ों पर रहने वालों के सर पर पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के गुरेज का ये वीडियो देखिए, पहाड़ों से सफेद मुसीबत कितनी तेजी से नीचे की ओर खिसक रही है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में एवलांच ने 2 विदेशी पर्यटकों की जान ले ली थी। मुसीबत यही नहीं थमती, शोपियां के कुछ इलाकों में तो बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, जिससे बच्चों के स्कूल तक बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब एवलांच का खतरा और बढ़ गया है। उत्तराखंड में एवलांच को लेकर फिर एक बार अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी जनपद में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और एवलांच आने का अलर्ट जारी किया गया है, मगर इसी बर्फबारी में जश्न मनाने का मौका भी स्थानीय लोग नहीं छोड़ रहे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां लोग बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के 36 प्रिंसिपल सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 36 प्रिंसिपल को रवाना किया है ट्रेनिंग के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये क्रांतिकारी दिन है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब के स्कूलों को नंबर एक बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब दोनों के ही टीचर्स को विदेश भेजने की बात शुरू हुई, पंजाब की ओर से भेजा जा रहा है, जबकि दिल्ली में मामला तकरार का विषय बना हुआ है एलजी और सरकार के बीच।